Assalamualaikum जी, आज डेट है 20th of July एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर 10 जिलहज मतलब बकरा ईद का दिन। पाकिस्तान में वैसे ईद कल है, टाइम वैसे ईद की नमाज का है, बट युगंडा में है लॉकडाउन, तो इस वजह से मस्जिदें और चर्चेस बंद हैं, तो नमाज के बगैर ईद गुजारनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा बकरा ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिर चलते हैं और कुर्बानी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमरे की हालत वैसे काफी खराब है जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। चास आ गई कि नहीं? तो कसाई आ गया है। तो भैया बकरा ईद पे कसाई का मिलना और चांद रात में नई का मिलना एक बराबर है। और ये जो बच्चे आपने देखे हैं, ये हसन चाचा के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। स्टीफन क्या छुरी ले आओ। तो कुर्बानी हो गई है ख़त्म। तो अभी हम बात करेंगे ईस्ट अफ्रीका के जो 6 कंट्री हैं उनकी करेंसी के बारे में। तो युगांडा, केनिया और तंजानिया में शिलिंग चलते हैं, युगांडन शिलिंग, केनियन शिलिंग और तंजानियन शिलिंग। रवांडा और बुरुंडी में फ्रैंक है, रवांडन फ्रैंक और बुरुंडियन फ्रैंक। और साउथ सूडान में पाउंड है, साउथ सूडानीज पाउंड। तो चूँकि मैं युगांडा में हूँ तो युगांडन शिलिंग के बारे में बात करेंगे। तो युगांडन शिलिंग का सबसे छोटा कॉइन है वो 100 रुपए का है और सबसे बड़ा नोट 50,000 रुपए का।
और अगर हम इसे अपनी पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो एक पाकिस्तानी रुपए के 22 या 23 शिलिंग बनते हैं, और अगर हम बात करें US डॉलर की तो तकरीबन $1 से 3500 या 3600 शिलिंग बनते हैं। तो भी आप बोलेंगे कि युगंडा एक गरीब मुल्क है, नो डाउट। वैसे तो जापान भी गरीब मुल्क हुआ क्योंकि एक US डॉलर के 109 जापानीज येन बनते हैं। तो भाई किसी भी मुल्क का अमीर या गरीब होना उसकी करेंसी से पता नहीं चलता, करेंसी डजेंट मैटर्स, उस कंट्री की GDP ग्रोथ रेशियो से पता चलता है, और युगंडा की GDP ग्रोथ रेशियो 6.5 है। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, और अल्लाह हमारी और आप सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। Countrymen and countrywomen, I join the Muslim community in Uganda and across the world in the celebration of Eid al-Adha, or the festival of the sacrifice. This is the day when our Muslim brothers and sisters commemorate Prophet Ibrahim's portrayal of total faith and obedience to Allah when he accepted sacrifice his only child, Ismail. All believers are called upon to emulate Prophet Ibrahim's example of total devotion and submission to the will of Allah. May your good deeds and sacrifices be accepted and blessed by Allah. The First Lady Mama Janet joins me in wishing you blessed Eid al-Adha prayers and celebrations. Finally, I encourage you to observe the COVID-19 safety protocols. It is by strict observance of these protocols, the standard operating procedures, that you shall be able to defeat this monster, the COVID-19. Stay well, stay safe. Thank you.